आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज हैदराबाद। एम्पायर ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट चेयरमैन सैयद इमरान की जानिब से लॉकडाउन के दौरान परेशान अवाम जो मसूदिया मस्जिद हुसैनी टेकड़ी के अतराफ के इलाकों के मुश्तक 1200 लोगों को अनाज के पैकेट्स किशनबाग डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद सलीम के हाथों तकसीम किया गया। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 16 डेज कंप्लीट हो गए लॉकडाउन होके। आप लोग जैसा कि देख रहे डेली एम्पायर ग्रुप से सैयद इमरान अली साहब की तरफ से जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आज हम किशनबाग में मसूदिया मस्जिद के पास आकर 1200 राशन के किट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। यहाँ से बहुत हमारे कॉल्स आ रहे थे कि यहाँ पर राशन नहीं है, लोग बहुत परेशान थे, इसलिए आज हम यहाँ का प्रोग्राम रखे, यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। और हमारा अभी कल जो रहेगा अभी हम इत्तला देंगे मीडिया को भी। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने अपने बस्ती में और जो कॉर्पोरेटर है या एमएलए है, एरिया एमएलए एरिया कॉर्पोरेटर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आप तवज्जो दीजिए अपने अपने एरियों में। और हुकूमत से भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके पास वाइट राशन कार्ड है वो लोग को भी राशन नहीं मिल रहा है। राशन के दुकानों पर जाके वो लोग ठहर के आ रहे लेकिन उन लोग को राशन नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा इस पर तवज्जो दीजिए। और क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारे पास से 1200 किट राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं।